हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजर मोड वर्सेस कर्नल मोड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर मोड का यहाँ पे मतलब क्या है, नाम से ही हमें पता लग रहा है यूजर मोड, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूजर की। जैसे हम लोग यूजर्स हैं, हम अपने लैपटॉप को पीसीज को ऑन करते हैं, हम वहाँ पे यूज क्या करते हैं, किसी ना किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट हम किस मोड में है, यूजर मोड में। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी कोर फंक्शनैलिटीज, सारे के सारे मेजर ड्राइवर्स, वो सारे कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, वो कर्नल मोड में काम करते हैं। और जो प्रोसेसर है वो यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में स्विच होता रहता है। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको बताता हूँ, लेट से इफ आई एम यूजिंग अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने ओपन किया टेक्स्ट एडिटर। तो यानी टेक्स्ट एडिटर क्या है, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हो, मतलब कोड लिख सकते हो। तो मैंने टेक्स्ट एडिटर को ऑन किया, मतलब मैं यूज कर रहा हूँ एपीआई को, और उस एपीआई के थ्रू मैं एक सी प्रोग्राम को लिख रहा हूं। अब मैंने जब उस प्रोग्राम को लिखा, लेट से उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि यू हैव टू रीड अ फाइल एंड राइट सम डेटा इनटू अ फाइल, मतलब मुझे किसी फाइल को रीड करके उस फाइल में कुछ वैल्यू को अपडेट करना है। तो यहां पे आपको ध्यान देने का, यहां पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो फाइल है, ये फाइल कहां पे पड़ी है, ये फाइल है हार्ड डिस्क के अंदर, ये फाइल पड़ी है हार्ड डिस्क के अंदर। और हार्ड डिस्क क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का, और जितने भी हार्डवेयर है वो किसके कंट्रोल में है, कर्नल के, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको कर्नल की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगा, तो यहां पे मैंने लिखा यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग। यूजर प्रोसेस मतलब वो सी का प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब उस प्रोग्राम में मुझे किसी फाइल को रीड करना है, तो उस फाइल को रीड करने का मतलब है मुझे सिस्टम कॉल यहां पे यूज करना पड़ेगा। सिस्टम कॉल क्या है, एक तरीका है कर्नल को एक्सेस करने का, मतलब कर्नल के थ्रू हमें जो हार्डवेयर को एक्सेस करना है उसको एक्सेस करने का एक तरीका है सिस्टम कॉल। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट कौन सी सिस्टम कॉल यूज होगी, रीड सिस्टम कॉल। रीड सिस्टम कॉल का मतलब है कि मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल से डेटा को रीड करना है। तो जैसे ही गेट सिस्टम कॉल होगा, कौन सी सिस्टम कॉल, रीड, वहां पे मेरा सिस्टम किस मोड में चला जाएगा, कर्नल मोड में चला जाएगा। और कर्नल मोड की बिट जो है, मोड की बिट वो क्या है, जीरो, मतलब पहले हम किस मोड में थे, वन में। जैसे ही हम वन मोड से रीड सिस्टम कॉल में आए, यहां पे जनरेट क्या होता है, एक तरह से इंटरप्ट, या इसको आप ट्रैप बोल सकते हो, ट्रैप जनरेट होगा। ट्रैप का मतलब क्या है, आप शिफ्ट हो गए यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट हो गई। तो जैसे ही आप इस मोड में शिफ्ट हुए, आपकी जो मोड बिट है वो वन से क्या हो गई, यहां पे वन थी और यहां पे क्या हो गई, जीरो। अब आप क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूट द सिस्टम कॉल, मतलब डेटा को रीड कर रहे हो। तो हार्ड डिस्क में जो भी एक्स वाई जेड फाइल को आपको रीड करना था, वो हार्ड डिस्क से आप डेटा को रीड करोगे, और डेटा को रीड करने के बाद आप राइट सिस्टम कॉल वहां पे यूज करोगे। आपने रीड भी कर लिया, डेटा को राइट भी कर दिया, उसके बाद आप अगेन वापिस किस में चले जाओगे, अपने यूजर मोड में दोबारा आ जाओगे। क्यों, क्योंकि हम लोग, हम यूजर तो कहां पे काम कर रहे हैं, यूजर मोड में ही काम कर रहे हैं। तो मुझे सिस्टम कॉल से दोबारा वापस किस में आना है, हमारे यूजर मोड में। तो यहां पे दोबारा फिर क्या होगा, जीरो से मोड बिट दोबारा वन में चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से इसको रिलेट करूं, तो लेट से अगर मैं किसी बैंक में जाता हूं, एक बैंक ले लेते हैं, बैंक जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए कंप्यूटर। तो मुझे बैंक से अगर मनी विड्रॉ करनी है, तो मैं हूं यूजर मोड, तो मैं बैंक में गया, तो मैं यूजर मोड में काम कर रहा हूं। और लेकिन जो विंडो के पीछे बैठे हैं, जो क्लर्क हैं या पीओ जो हैं, वो बैठे हैं, वो लोग कौन है, वो है कर्नल मोड में काम कर सकते हैं। क्या आप ऐसे कर सकते हो कि बैंक में गए, डायरेक्ट अपने लॉकर में या उनकी वहां पे उनकी जो विंडो के पास गए, बैक साइड में जाके आपने पैसे ले लिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप यूजर मोड हो, वो कर्नल मोड, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप बैंक में जाके सीधा ड्रॉर में से पैसे निकाल लिए, तो फिर वहां पे मतलब कर्नल मोड का कोई फंक्शन ही नहीं, आप डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप डायरेक्ट ओवरराइड कर रहे हो और सारे हार्डवेयर्स को अपने कंट्रोल में ले रहे हो। और यही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, रिसोर्सिस को मैनेज करना, रिसोर्सिस को गवर्न करना। तो आप फॉर्म भरो, उनको दो, टेलर को दो, वहां पे एक
विंडो बनी होती है छोटी सी, उसमें आप फॉर्म दोगे वो आपको मनी देगा। तो वो वाला मोड कौन सा, वन से जीरो में जा रहे हो, जब आपको पैसे मिल गए आप जीरो से वन में जा रहे हो। तो वापस आपको पैसे मिल गए मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया, आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, अब आप वहां से चले जाओ। तो वही फंडा हम यहाँ पे यूज करते हैं सिस्टम के अंदर भी। बाय डिफॉल्ट हम जो भी एप्लीकेशन को यूज करें, चाहे आप गाने सुन रहे हो, चाहे वीडियो देख रहे हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हो, जो भी आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो वो एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट यूजर मोड में चलती है। और आपका जो प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, वो इन दोनों मोड्स के बीच में स्विच करता रहता है। लेकिन जैसे ही आपको किसी प्रोसेस में, अगर आप एक सी का प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आपको 2+2=4 करना है, तो 2+2=4 करने के लिए आपको कर्नल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो जो आउटपुट 4 आ रही है वो मॉनिटर पे प्रिंट हो, तो आप क्या लिखते हो, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ क्या है, आप प्रिंट एफ का मतलब है आप मॉनिटर पे कुछ आउटपुट प्रिंट करना चाहते हो। तो मॉनिटर किसके हाथ में है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो वहां पे फिर क्या जनरेट होगी, सिस्टम कॉल जनरेट होगी, और वो सिस्टम कॉल क्या करेगी, वैल्यू को प्रिंट करेगी मॉनिटर के ऊपर। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो यूजर मोड और कर्नल मोड, इसको बोलते हैं ड्यूल मोड बोल रहे हैं। तो ड्यूल मोड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आप डायरेक्ट हार्डवेयर को, सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो। तो हम जो यूजर मोड पे काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मोड पे काम करता है, और यहाँ पे स्विचिंग चलती रहती है। ये टॉपिक जो है ऑल्दो थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थ्योरी के क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्रेड्स का, तो थ्रेड्स में भी ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द यूजर मोड एंड कर्नल मोड। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।